नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 14 में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर पार्षद संजय प्रधान के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भोले के भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जहां तो पार्षद ने भगवान शंकर के चरणों में वंदन कर इस भंडारे का शुभारंभ किया, वहीं आए हुए भक्तजनों को प्रसाद वितरित करने की सेवा भी की। इस कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा शिव पार्वती की भव्य झांकी भी प्रस्तुत की गई। वायरल सच की टीम से बात करते हुए पार्षद संजय प्रधान ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज लगभग 5000 लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए डिस्पोजेबल बर्तनों से भी परहेज किया गया है। सबसे पहले तो मैं समस्त हरियाणा वासियों को, गुड़गांव वासियों को और वार्ड वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, शिवरात्रि का त्यौहार सही मायने में 2 साल बाद हमारे यहीं नहीं पूरे गुड़गांव के अंदर बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि अब 2 साल के बाद इस बार कोरोना की पाबंदियां हटी हैं और लोगों में एक बड़ा जोश है कि भाई 2 साल के बाद शिवरात्रि का त्यौहार हम लोग अपने खुशी से और मन से बड़े लगन से मना रहे हैं। और जो ये भंडारे का जो आयोजन हो रहा है, ये भंडारा हम हर साल करते हैं शिवरात्रि पर। पिछले साल भी हमने किया था, लेकिन कुछ कोरोना की गाइडलाइंस के अंदर हम ज़्यादा नहीं कर पाए थे, और इस बार जैसे कोरोना की गाइडलाइंस हट गई हैं तो पब्लिक बड़ा मतलब धूमधाम से मना रहे हैं। इसका पूरा भोले जी की झांकियों का इनका सबका आनंद ले रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसमें आज हमने 5000 लोगों के भोजन का प्रबंध है। यहाँ पर लगभग 5000 लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, और जो लोग व्रती हैं, जो हमारी माताएं बहनें व्रत करे हुए हैं, उनके लिए व्रत का अलग से इंतजाम किया हुआ है। जिस प्रकार से सरकार पोलोथीन पर बैन लगा रही है और पर्यावरण को शुद्ध करने की बात कर रही है, तो हम इस मुहिम में एक कदम हमने बढ़ाया, और हम सभी से ये अपील भी करते हैं कि जितना हो सके डिस्पोजल को यूज़ ना करें। उसके लिए हमने एक बार स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे हैं और लोगों को स्टील के बर्तन में ही खाना परोस रहे हैं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।